झाड़ू लगाकर अनु जल्दी से कपड़े धोने घाट पर चली जाती है। सुबह से काम करके मैं थक गई हूँ, काश आज माँ जिंदा होती तो मुझे ये सब नहीं करना पड़ता। कुछ देर बाद कमला काकी वहाँ आती है। ए अनु, तू कब से यहाँ आई है? अभी तेरे कपड़े नहीं धुले क्या? चल, तेरी नई माँ तुझे बुला रही है। अब तक कहाँ थी तू? जरूर घाट पर तैरने बैठ गई होगी। तुझे तो ना बस मस्ती सूझती रहती है। ले मुन्ना को ये बोतल से दूध पिला, मैं तब तक नहा कर आती हूँ। ठीक है नई माँ। तभी अनु का पिता अनु से कहता है, अरे अनु, मेरे लिए कप चाय तो बना दो। जी बाबा। कुछ देर बाद अनु चाय बनाकर ले आती है। चाय पीने के बाद मोहन खेत पर चला जाता है। अरे बाप रे, मैं तो भूल ही गई, मुन्ना को दूध पिलाना था। नई माँ आती ही होगी, अगर मैंने मुन्ना को दूध नहीं पिलाया तो मुझे बहुत मारेगी। लेकिन अनु जब अंदर जाती है तो देखती है कि साल भर के मुन्ना ने सारा दूध गिरा दिया था और वो बड़े मजे से गिरे हुए दूध के साथ खेल रहा था। ये देख अनु बहुत डर गई। तभी माया घाट से नहा कर आ जाती है। हे राम, तूने जानबूझकर मेरे बच्चे का दूध गिराया है ना, ताकि वो भूखा ही रहे। तूने मेरे बेटे का दूध गिराया ना, तो आज से तेरा खाना भी बंद। कहाँ गया मेरा वो डंडा? हाँ, मिल गया। इतना कहते ही माया उस डंडे से अनु की खूब पिटाई करती है, जिससे उसके शरीर पर जख्म तक आ जाते हैं। फिर लंगड़ाते हुए रोते रोते उस आम के पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है, जहाँ वो अक्सर अपनी माँ के साथ बैठती थी। माँ, तुम कहाँ हो? आओ ना माँ, मेरे पास आओ ना। नई माँ बहुत गंदी है, वो मुझे बहुत मारती है। तभी अचानक अनु को अपनी माँ की आवाज आती है। अनु मेरी बच्ची, रो मत। ये आवाज सुनकर अनु बहुत खुश होती है। माँ, माँ कहाँ हो तुम? माँ, मैं क्यों तुम्हें देख नहीं पा रही हूँ माँ? तभी अचानक से उसे अपनी नई माँ के चिल्लाने की आवाज आती है। अनु, अरे ओ अनु, कहाँ जाकर मर गई? जी जी, आई नई माँ। नई माँ के डर से अनु भागते हुए जाती है। कहाँ मर गई थी? कब से आवाज लगा रही हूँ? देख तो गैया कितनी भूखी है, जा जाकर इसे घास डाल दे और फिर और घास काट कर ले आ इसके लिए। जी नई माँ। अनु गाय को चारा डालकर कड़ी धूप में घास काटने जंगल चली जाती है। उस दिन माया उसे भूखा प्यासा ही रखती है। शाम को थकी हारी अनु जब घास लेकर घर लौटती है तो उसके पिता और नई माँ खाना खा रहे होते हैं। उन्हें खाता देख अनु कहती है, नई माँ मुझे भी कुछ खाने को दे दो ना, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ माया, उसे कुछ खाने को दे दो, वो भी तो बच्ची है, उसे भी भूख लगी होगी और उसने जानबूझकर थोड़े ना दूध गिराया होगा। तुम तो चुप ही रहो जी, अभी से उसे ये सब नहीं सिखाऊंगी तो वो तो सर पर ही चढ़ जाएगी। और अगर तुमने उसकी ज्यादा तरफदारी ली ना तो देख लेना, मैं अपने मुन्ना को लेकर मायके चली जाऊंगी। हाँ, मोहन उसके आगे कुछ नहीं बोल पाता। सुबह की पिटाई, दिन भर की मेहनत और तेज भूख के मारे रोते हुए अनु अपने कमरे में जाकर रोते रोते ही सो जाती है। लेकिन आधी रात को उसे तेज बुखार आता है और वो रोते रोते एक ही बात कह रही थी, माँ मुझे भी अपने साथ ले जाओ ना, मुझे बहुत दर्द और तकलीफ होती है, मुझे भी अपने साथ ले चलो ना, ले चलो ना। तभी उसे फिर से वही आवाज सुनाई देती है, आ मेरी बच्ची, अपनी माँ की इस गोद में आ जा। अनु झट से अपनी माँ के गले लग जाती है। अगले दिन माया उठती है तो देखती है, ओ तो ये महारानी यहाँ आराम फरमा रही है, ए चल जा और जाकर कुएं से पानी ले आ। लेकिन दो बार पुकारने पर भी अनु उसकी नहीं सुनती। ए, सुनाई नहीं दे रहा क्या? कल की मार भूल गई? लगता है तुझे और मरम्मत की जरूरत है। अनु पीछे पलटकर देखती है तो गुस्से से उसकी आंखें लाल होती हैं और वो उसे खतरनाक तरीके से घूर रही होती है। उसका ये रूप देख माया घबरा जाती है और कहती है, अच्छा अच्छा तू रहने दे, मैं ही चली जाती हूँ, लेकिन गैया के लिए घास तू ही लाएगी, समझी। अनु वहाँ से एक कदम भी नहीं हिली, बल्कि हवा में लहराती हुई दराती नई माँ के हाथ में आ गई। ये देख माया उससे बोली, हाय दैया, ये भला कैसे हो गया? न जाने कहाँ से ये जादू टोना सीख कर मुझे डरा रही है, रुक मैं तुझे बताती हूँ। ये सुनकर अनु की गुस्से में आंखें और भी लाल हो जाती हैं और वो डंडे की तरफ देखती है। डंडा हवा में उड़ते हुए आता है और माया की पिटाई करने लगता है। मुझे बहुत दर्द दिया है ना तुमने, खूब काम भी करवाया है, लेकिन अब से ये सारे काम तुम खुद करोगी, अब जाओ और जाकर घास काटो। खूब सारी धुलाई होने के बाद माया घास काटने चली जाती है और आकर गैया को चारा डालती है। फिर घर के सारे काम अकेले ही करती है और जब वो थक कर बैठ जाती तो उस डंडे से उसकी पिटाई फिर से शुरू हो जाती है। सारा काम खत्म होने के बाद जब वो कमरे में गई तो मोहन और मुन्ना सो रहे थे। उन्हें देख माया ने मोहन को जगाते हुए कहा, आप अभी तक काम पर भी नहीं गए? मेरे बेटे ने भी सुबह से कुछ नहीं खाया, सारा दिन काम करते करते और डंडे खा खा कर मेरे पूरे शरीर में दर्द होने लगा है, सारा दिन भूखे रहकर अब तो मुझे भूख के मारे चक्कर ही आने लगे हैं। क्या मैं इतनी गहरी नींद में था और तुम्हारी पिटाई किसने की और काम तुमने किया? अनु कहाँ है? उसी ने तो अपने जादू टोने से मेरी इतनी पिटाई की है और घर का सारा काम भी मुझसे करवाया। क्या अनु ने ऐसा किया? चलो मेरे साथ। वो दोनों अनु के कमरे में जाते हैं लेकिन वो वहाँ नहीं होती। वो उसे ढूंढते हुए बाहर जाते हैं तो वो वहाँ भी नहीं होती। फिर ढूंढते हुए वो उसी आम के पेड़ के पास पहुँच जाते हैं जहाँ अनु उस पेड़ की छाँव में चेहरे पर मुस्कान लिए सोई होती है। ये तो यहाँ आराम से सो रही है। लेकिन मोहन जब उसे उठाता है तो वो हैरान रह जाता है। इसका शरीर तो सारा ठंडा पड़ चुका है, इसका मतलब अनु
इसका मतलब ये मर चुकी है और इसकी आत्मा मुझसे बदला ले रही थी। जाने से पहले वो मुझे सबक सिखा कर गई है। आज मुझे पता चला मैंने उसके साथ कितना गलत किया। उधर स्वर्गलोक में अनु अब बहुत खुश थी और ऊपर से ये सब देखकर वो मुस्कुरा रही थी।